हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम शेडो। टुडे वी आर ब्रिंगिंग स्पेशल आर्टिकल ऑफ इंडियन एक्सप्रेस विच इज़ रिलेटेड टू हिस्ट्री। ओके, एंड सॉरी फॉर द डिले, आई एम ब्रिंगिंग दिस वीडियो आफ्टर सो लॉन्ग टाइम एंड आई वॉज बिजी समवेयर, बट आई विल कंटिन्यू दिस सीरीज फ्रॉम टुडे। ओके, सो वॉट इज़ द आर्टिकल अबाउट? आर्टिकल इज़ अबाउट लॉर्ड कर्जन एंड इट इज़ इन एक्सप्लेन सेक्शन ऑफ इंडियन एक्सप्रेस। ओके, सो वॉट इज दिस आर्टिकल हैज़ बीन पब्लिश्ड, वॉट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉर्ड कर्जन नाउ? ओके, एंड इट इज़ ऑल्सो मैंशन दैट आफ्टर 117 ईयर्स वाई दिस लॉर्ड कर्जन इज बैक इन टू द न्यूज़। सो रीज़न इज़ गिवेन दैट इन बर्धमान गेट इन वेस्ट बंगाल द TMC हैज़ डिसाइडेड टू यू नो इरेक्ट स्टेच्यू ऑफ होम महाराजा विजय चंद महताब एंड हिज वाइफ राधा रानी इन फ्रंट ऑफ सिटीज़ प्रोमिनेंट लैंडमार्क। ठीक, इसके सामने जो स्टेचू, जो लॉर्ड कर्जन का स्टेचू है, उसके सामने ये दूसरा एक स्टेचू बना रहे हैं और इसको कुछ लोगों ने ऑब्जेक्ट किया। पॉलिटिशियन हिस्टोरियंस हैव ऑब्जेक्टेड दिस मूव ऑफ रूलिंग TMC पार्टी। That's why this Lord Curzon is back into the picture and it becomes very important for us to prepare for that. Why? Because the question related to Lord Curzon can be asked in prelims question paper or also in mains examination, that what was the events took place during the tenure of Lord Curzon. This can be the direct question. So who was Lord Curzon? So he was the Viceroy of India from 1899 to 1905. Okay, and why his tenure or his time period was criticized, let us see first. So who was Lord Curzon? I told you about Viceroy, but it is mentioned in detail that he was born in 1859 and his full name was George Nathaniel Curzon. Okay, Lord is the kind of what can we say, हिंदी में जो बोलते हैं उपाधि जो देते थे वो है, दैट इज़ गिवन टू लॉर्ड कर्जन। कर्जन सो ही वॉज बॉर्न इन 1859, मतलब 1857 की क्रांति के 2 साल बाद। सो वी कैन रिमेंबर लाइक दैट। एंड देन ही सर्वड एज अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया and then foreign affair. This is the timeline, you don't have to remember much. The most important thing, he became Viceroy in 1899. So who was the Viceroy after the revolt of 1859? Okay, Indian Act 1858 came, Government of India Act, in which the position of Governor General was changed as Viceroy. So it is a kind of post, and Viceroy means representative of British, okay, British Parliament. So उसका जो representative होता था उसको Viceroy बोलते थे, और ये Lord Curzon आया 1899 में। So this is important, he became Viceroy in 1899. So फिर Lord Curzon जो है उसका main प्रॉब्लम क्या था, उसने क्या किया था, वी विल सी दैट। ही क्रिएटेड अ मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, इट मींस डिवीजन ऑफ बंगाल। ही सेंट अ ब्रिटिश एक्सपीडिशन टू तिब्बत, एस्टेब्लिश्ड अ सेपरेट पुलिस सर्विस, एस्टेब्लिश्ड द आर्कियोलॉजिकल सर्विस ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू स्टडी एंड प्रोटेक्ट हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट। ठीक है, ये 3-4 चीज़ें थी जो लॉर्ड कर्जन ने किया था, सेपरेशन ऑफ बंगाल, देन ब्रिटिश एक्सपीडिशन टू तिब्बत, देन सेपरेट पुलिस सर्विस, ओके, देन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। फिर वॉज लॉर्ड कर्जन अ बैड मैन? तो हेयर यू कैन सी दैट अर्ली ऑन हिज करियर ही वॉज प्रेज्ड फॉर वॉट, फॉर यू नो प्रोवाइडिंग यू नो सम काइंड ऑफ एम्पैथी टू इंडियंस। लाइक In 1899, he punished white soldiers for raping a woman in Rangoon. Then he disciplined soldiers of 9th Lancer for beating an Indian cook in Sialkot
टू डेथ इन 1902। ओके, और ऐसे भी कुछ चीज़ जैसे कि एक अनसक्सेसफुली इसने कोशिश किया था कि जो असम टी मैनेजर जिसने कोहली का मर्डर किया था उसके पनिशमेंट को चेंज करने का। ठीक है, तो दीज वर गुड वर्क्स ऑफ लॉर्ड कर्जन। ओके, सो अगर कभी आता है कि क्रिटिकली एनालाइज सो यू हैव टू मैंशन सम गुड वर्क्स ऑल्सो। सो दीज वर गुड वर्क्स एंड सोर्स इज ऑल्सो मैंशन ना, कि इसमें सोर्स कहीं पर दिया होगा, इट इज़ नॉट देयर। सो दीज वर द गुड वर्क्स आई हैव डिस्कस्ड। सो वॉट वॉज वाई ही वॉज डिसलाइक्ड, क्वेश्चन इज प्रॉब्लम क्या थी, वॉट वॉज द प्रॉब्लम। सो प्रॉब्लम वॉज फर्स्ट थिंग विच ही डिड वॉज पार्टीशन ऑफ बंगाल। फर्स्ट थिंग मीन्स जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसके लिए ये जाना जाता है 1905 में। बट बिफोर दैट, से पहले उसने क्या किया था, देखो 1899 में ही पास कलकत्ता म्यूनसिपल अमेंडमेंट एक्ट जिसमें ही रिड्यूस द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इन कलकत्ता कॉरपोरेशन, जो मेनली डिमांड हुआ करती थी कि इंक्रीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव राइट। ये मेन डिमांड होती थी इसकी, मॉडरेट्स की। हु आर मॉडरेट्स? मॉडरेट्स मीन्स जो कांग्रेस को जिन्होंने इस्टेब्लिश किया था, है ना, 1885 में कांग्रेस इस्टेब्लिश हुई थी, तो जो कुछ लीडर्स थे लाइक सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और भी कुछ थे। सो दे वांटेड टू इंक्रीज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियंस इन वेरियस इंस्टीट्यूशन, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन, लेकिन इसने घटा दिया। दूसरा, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1905, ये भी एक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। व्हाई? बिकॉज इसमें क्या किया था, यूनिवर्सिटीज़ को और जो भी इंस्टीट्यूशंस थी उनको, इट वाज लाइक कि सबजुगेटेड, यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट्स का ही आर्म बन गया था, स्टेट आर्म्स। ऑल द डिसीजन वर टेकन बाई गवर्नमेंट इट्सेल्फ इन 1904, है ना, ये यूनिवर्सिटी एक एक्ट आया तो इसका सबने विरोध किया था। दैन फाइनली इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आया 1905 में, जो अभी भी यूज होता है, यू माइट हैव हर्ड मैनी टाइम्स। तो ये भी एक प्रॉब्लम था जिसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस को रिड्यूस कर दिया गया था इस एक्ट से। प्रेस प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, राइट? सो दीज वर द बैड थिंग्स अपार्ट फ्रॉम पार्टीशन ऑफ बंगाल। ओके, तो विच यू हैव टू रिमेंबर कि इसने क्या क्या किया था। तो सबसे पहले क्या, म्यूनिसिपल एक्ट 1899 में ही, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट कब, 1904 में, एंड फाइनली एक वॉट थर्ड एक्ट कौन सा था जो अभी हमने देखा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ये कब था, 1904 में, एंड फाइनली पार्टीशन ऑफ बंगाल विच टुक प्लेस इन 1905। ठीक है, तो ये तीन चार चीज़ें इस आर्टिकल से वी कैन नोट डाउन। फाइनली लेट्स सी व्हाट हैपन इन पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो था, बंगाल उस टाइम पे पॉपुलेशन थी 78 मिलियन। ओके, 78 मिलियन मीन्स अराउंड 7.8 करोड़। ठीक है, इतनी पॉपुलेशन थी, विच इज़ अ बिग नंबर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एंड इट कंप्राइजेस व्हाट, क्या क्या था बंगाल के अंदर, प्रेजेंट डे वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, सम पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड असम। सो यू कैन सी दैट हाउ बिग बंगाल वॉज, है ना। अपार्ट फ्रॉम दिस, बंगाल वॉज ऑल्सो, है ना, द कलकत्ता वॉज कैपिटल ऑफ ब्रिटिश, एक तो ये था इम्पोर्टेंस। दूसरा, बंगाल वॉज ऑल्सो नर्व सेंटर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो ये
चार पांच चीज़ें थी बंगाल के लिए जो उस टाइम पे इम्पोर्टेंट थी, बट जो इतना बड़ा साइज होने के कारण, बिकॉज ऑफ दिस साइज, इट वाज आल्सो वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज एंड एडमिनिस्टर एफिशिएंटली, है ना। ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम था, इट वाज टू लार्ज। वी कैन सी कि आज देखिए इतने बड़े में वेस्ट बंगाल भी है, एक बांग्लादेश अलग कंट्री है, बिहार एक अलग स्टेट है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा अलग स्टेट है। ऑल दो पीपल वर लेस, 78 मिलियन पीपल ही थे, बट स्टिल ड्यू टू जियोग्राफिकल वास्टनेस इट वॉज लिटिल बिट डिफ़िकल्ट। सो इस रीज़न से बंगाल ने, इस लॉर्ड कर्जन ने जुलाई 1905 में पार्टीशन कर दिया। पार्टीशन कैसे किया बंगाल का, दो हिस्सों में। एंड व्हाट वाज दो, एक था ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। सो ईस्ट बंगाल जो था, ईस्ट बंगाल एंड असम, जिसमें मुस्लिम मेजॉरिटी थे, 38 मिलियन, मतलब 3.8 करोड़, और बचे हुए जो थे 55 मिलियन, वो वेस्ट बंगाल में होगा, वेस्टर्न प्रोविंस में होगा, बंगाल जिसको कहा गया, जो प्राइमली हिंदूज थे। तो आप देख सकते हैं कि जो इनका मेन डिवीजन था, जो हिंदू वर्सेस मुस्लिम था, इट वाज कंसिडर्ड दैट इट इज़ एन एफर्ट बाय ब्रिटिश टू डिवाइड एंड रूल, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ेंगे। सो दैट्स वाई इट वाज ऑब्जेक्टेड अलॉट। और उसके बाद ही कॉन्सिक्वेंस क्या हुए, सबसे पहले तो एंगर होने लग गया ब्रिटिश के खिलाफ इन बंगाल इट्सेल्फ। सो नॉट ओनली इन बंगाल, ये मूवमेंट जो स्प्रेड हुआ अलग दूसरे पार्ट्स ऑफ कंट्री के दूसरे पार्ट्स में भी, और फाइनली स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ। सो दिस इज इम्पोर्टेंट, स्वदेशी मूवमेंट इन 1905, है ना, अगस्त 1905 में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ। एंड उसमें फिर सारे जो ब्रिटिश गुड्स का, इंस्टीट्यूशंस का बॉयकॉट स्टार्ट हुआ, यूज़ ऑफ लोकल प्रोडक्ट्स या देसी जो बोलते हैं वो स्टार्ट हुआ स्वदेशी मूवमेंट में। सो स्वदेशी मूवमेंट ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक, वी विल कवर समटाइम्स लेटर। सो ये था कॉन्सिक्वेंस कि मेनली स्वदेशी मूवमेंट 1905 में स्टार्ट हुआ, विच इज़ अ बिग माइलस्टोन इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, है ना। स्टूडेंट्स वेयर फॉर फ्रंट ऑफ द मूवमेंट, जो स्टूडेंट्स ने बड़े जोर शोर से पार्टिसिपेट किया। वंदे मातरम सॉन्ग यहाँ से आया, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा, है ना, इनफॉर्मल एंथम बन गया। तो ये सारी चीज़ें थी जो कॉन्सिक्वेंस थी पार्टीशन ऑफ बंगाल की। एंड फाइनली क्या हुआ, इन 1905 कर्जन रिजाइन एंड ही वेंट बैक, ठीक है। तो इसका टेन्योर हो गया 1899 टू 1905। एंड व्हाट हैपेंड टू बंगाल, बंगाल का क्या हुआ, पार्टीशन वाज अनल्ड, मतलब रीयूनिफाइड, बंगाल रीयूनिफाइड व्हेन इन 1911 में, ठीक है, 1911 में। और यहाँ से ही जो कैपिटल ऑफ द ब्रिटिश आज फ्रॉम कलकत्ता इट शिफ्टेड टू दिल्ली। तो ये दो चीज़ें हुई, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, एनल हुआ, और जो कैपिटल है वो दिल्ली शिफ्ट हो गई। सो आई होप दिस आर्टिकल वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड आई हाईलाइटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स फॉर यू। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।